अरे यार ये ऐसा क्यों कर रहा है? शिट, आज भी 10 बज गए, इतने कम टाइम पे ब्रेकफास्ट कैसे बनाऊं? कॉलेज भी जाना है। हाय, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरीज ब्रेकफास्ट मील। और गाइस, ये जो ब्रेकफास्ट मील है ये होने वाला है हेल्दी, हाई कैलोरीज, इजी टू कंज्यूम, क्विक टू मेक, और गाइस ये बजट फ्रेंडली भी है। और गाइस, अगर आप वेजिटेरियन हो तो फास्ट मील आपके लिए है, जो कि बहुत बढ़िया है। ओके, हमारा फास्ट मील का जो इंग्रेडिएंट्स होगा, 50 ग्राम स्प्राउट, 2 बॉयल पोटैटो, 50 ग्राम बेसन और थोड़ी अदरक। तो फाइनली हमारा पेस्ट ऐसे बन के रेडी हुआ। तो अभी देखते हैं इसे खाने में कितना टाइम लगता है। तो मुझे सिर्फ इसे कॉम्प्लीट करने में 5 मिनट ही लगा है। तो गाइस, इस मील की न्यूट्रिशन की बात करें तो आपको 500 कैलोरीज और 26 ग्राम आपको प्रोटीन मिलने वाला है। तो गाइस, कोई भी मील जब भी मैं बनाता हूँ, खासकर जब मैं वीडियो बनाता हूँ, तो किसी का फीडबैक जरूर लेता हूँ कि मील कैसा बना है। मैं तो अच्छा ही बोलूँगा ना। तो चलो, सबसे पहले डेविड को खिलाएंगे, उसके बाद जेमी को खिलाएंगे। कैसा बना है? अच्छा बना है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। सच बता रहा है ना? सही बता रही हूँ, बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी है। ठीक है, अभी डेविड के बारी। तो अभी देखते हैं डेविड क्या खा के क्या बोलते है, टेस्ट करके देख क्या बनाया है। कुछ भी हो खा के देख। बहुत अच्छा है। इसमें प्रोटीन कितना है? 16 ग्राम प्रोटीन एंड 500 के आसपास कैलोरीज होगा। तो कल मुझे आज का प्रोटीन मेरा क्लियर हो क्लियर हो गया। ठीक है, और ये 3 भी तुझे खाना होगा। मैं तो खाना खा चुका हूँ, मुझे भूख नहीं है। तो गाइस, ये थी ये मील एंड मैंने व्हाइट ब्रेड यूज़ किया, आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड यूज़ कर सकते हो। और ये रही इसकी मैक्रोस। देखो, एक तो हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, क्योंकि मॉर्निंग में 10 बज चुके हैं, तो हमें कुछ ऐसा मील ब्रेकफास्ट में बनाना है जिसमें टाइम बहुत कम लगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 100 ग्राम बेसन। तो ऐसे तो बेसन का चिल्ला बहुत लोग बहुत तरह से बनाती है, पर मैं जिस तरह खाता हूँ मैं आपको वो बना के दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही ईजी है एंड टेस्ट भी अच्छा ही होगा। तो मैं यहाँ पर 100 ग्राम बेसन ले चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर और कुछ नहीं ऐड करूँगा, बस थोड़ा सॉल्ट और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर। और पानी की बात करो तो आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड मत करो, 50 ग्राम के आसपास पानी ऐड करो। तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं। और आप कम से कम ऑयल यूज़ करो, उतना ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करूँगा मैं। देखो, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना, तो आप ये तीनों मील को पैक करके भी ले जा सकते हो, और अगर आप चाहो तो ऐसे खा के भी जा सकते हो, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो। तो गाइस, इसमें आपको मिलते हैं इतना कैलोरीज और इतना प्रोटीन। तो गाइस, आज का वीडियो मेरा यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द और एक वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेन हार्डर एंड रेस्ट हार्डर।